अगले ब्रदर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। जी सर, मैं बोलना चाहता हूँ। जय हिंद सर, पहले आपको। हाँ मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे ये नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा है, हाँ ये पूरी तरह से गलत है। और मैं मानता हूँ कि इस समय जो है हाँ नरेंद्र मोदी का विरोध करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि पूरे देश की मांग इस समय बन चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। और मैं बताना चाहता हूँ कि सर, मैं यहाँ पर अपने स्टेट में, अपने एरिया में मैं सर्वे करा चुका हूँ। इस सर्वे में भी एक अच्छा परिणाम निकल गया है नरेंद्र मोदी जी के नाम से, जिसमें यहाँ की जनता जो है 80% जनता मांग कर रही है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और मैं मानता हूँ कि ये जो लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसा कर रहे हैं, इनको ये सब छोड़ करके बिल्कुल जो है मोदी के पक्ष में आ जाना चाहिए और भाजपा को एक नया राह देना चाहिए। धन्यवाद। हम आपको बाबा रामदेव जी की बाइट दिखाती है कि वो क्या कहते हैं। बाबा रामदेव इस विषय पर, बाबा माफ करिए, बाबा रामदेव ने एक दूसरे बाबा जिन्होंने आडवाणी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो, और ये पूरे देश की मांग है, एक एक बच्चे की मांग है, पूरे हिंदुस्तान की जनता चाहते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। आडवाणी जी को हम मनाने आए हैं, आडवाणी जी मेरे बहुत पुराने भक्त हैं, उनको मैं ये कहने आया हूँ कि आडवाणी जी जिद्द छोड़िए और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप आशीर्वाद दीजिए। इस देश को नरेंद्र मोदी की आवश्यकता है, इस देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ये कहते आडवाणी जी मेरे शिष्य है, भक्त है, और खुद जय आडवाणी जी जिनके भक्त है वो उनके गेट पर जाकर उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आडवाणी जी को जरूर इस पर विचार करना चाहिए। हम आपको यशवंत सिन्हा की भी बाइट दिखाते हैं। हमें कोई नामोनिया नहीं हुआ है, हमें कोई नामोनिया नहीं हुआ है। मैं परफेक्ट हेल्थ में हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, लेकिन गोवा नहीं जाने के और भी कई कारण हो सकते हैं जिसके चलते मैं गोवा नहीं गया हूँ। और आप लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, उसको लगाते रहिए अपने ढंग से। ये वही है जिन्होंने नितिन गडकरी का विरोध किया था, और उसके बाद इन्होंने तुरंत नितिन गडकरी के जाते ही कहा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने चाहिए। ये ऐसा दिखाने के लिए था कि नितिन गडकरी को निकालने के पीछे मोदी का इनको समर्थन था, लेकिन वास्तव में ये मोदी विरोधी है। ये बात इन्होंने आज अपने बयान से दिखा दिया, ऐसा सोशल मीडिया में चर्चा है। और ये भी आरोप है कि ये संघ परिवार के बैकग्राउंड से ना होने के कारण इनके कंधे पर बंदूक रखे या इनको ब्लैकमेल करके कई लोग कुछ करा रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया में इनके ऊपर आरोप लग रहा है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके पास भी चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। नमस्कार सुरेश, बोलिए। नमस्कार सुरेश जी। हाँ बोलिए। मैं मुंबई से एनी कोहली बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। देखिए मैं बताती हूँ, देखिए प्रधानमंत्री कौन होगा ये बात की बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश के अंदर एक नरेंद्र मोदी आर्मी करके एक जो जागृत हो रही है, और इसमें सारी यंग ब्रिगेड है। हमें देश की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनको अपना बड़ापन दिखाना चाहिए आडवाणी जी को कि भाई मैं अब मुझे जो है तो अभी आशीर्वाद देने का उनका टाइम है। अभी वो डे टू डे पॉलिटिक्स में आने से अच्छा है कि वो आशीर्वाद दें, अपना बड़ापन दिखाएं। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नरेंद्र मोदी अगर ऐसा है उनको विरोध क्यों जिता रहे हैं, वो बैठ के चर्चा करें ना उसमें जाके कार्यकारिणी में कि वो क्यों विरोध क्यों कर रहे हैं, उसकी तो चर्चा करें। ये क्या हुआ कि आप एक ही घर के अंदर आप अपना मुंह घुमा के एक तरफ अलग होके बैठ गए हो कुछ लोग और बाकी सब अलग हो गए हैं, ये कैसे? आप चर्चा करें ना कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, तो कौन? आप तो सामने वाले दूसरे विरोधियों को आप ये जगह दे रहे हो कि आओ भैया हम क्यों हमारे ऊपर हमला करो, अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मारे हो। कि इनके विरोध से देश जो है एक अच्छे नेता को या अच्छे पीएम को खो दे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री कौन होगा, मैं इस पे चर्चा नहीं कर रही हूँ। मैं ये कहती हूँ इस बात पे चर्चा करें, खुल के चर्चा करें, और चर्चा करने के बाद जो भी नाम सामने आता है और देश की भावनाओं का भी सम्मान हो। और आज एक यंग ब्रिगेड है, मैं भी परसों उस जा रही हूँ 10 तारीख को पूना जा रही हूँ इसी बात के ऊपर चर्चा पर, जो यंग ब्रिगेड जो खड़ी हुई है इस वक्त नरेंद्र मोदी के आर्मी के नाम से, हम भी उसमें चर्चा करेंगे। कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता, उनको कार्यकारिणी में जाना चाहिए, नहीं तो कम से कम प्रेस
ध्यान देना चाहिए कि मेरा। धन्यवाद, हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। रामदयाल अग्रवाल बोल रहा हूँ उज्जैन से। हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री काबिल है, उन्हीं को बनाया जाए। और विरोध करना पब्लिक का बहुत गलत है, उस काबिलियत है उनमें, बीजेपी नेताओं में, बीजेपी में उनकी काबिलियत है। बिल्कुल धन्यवाद, हम वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। हेलो। हाँ हेलो, हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम यूनुस तलाट है, मैं गुजरात के अहमदाबाद शहर से हूँ और मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, मैं अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी सेल का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं आपको बता चाहता हूँ कि मोदी जी का विरोध क्यों। मोदी जी एक ऐसी शख्सियत है जी, उन्होंने गुजरात ऐसा एक मॉडल राज्य बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, एक मॉडल राज्य बनाया है, आप सब जानते होंगे गुजरात कम से कम 15 साल का शासन। धन्यवाद। गुजरात को मॉडल बनाने वाले और उस मॉडल का प्रचार करने वाली भाजपा ही अब मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में क्यों हिचका रही है, क्यों विरोध हो रहा है अपने से अंदर से और बाहर से, यह आज का विषय है। और हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि नरेंद्र मोदी का विरोध क्यों। इस मुद्दे पर अब तक कॉलर ने यही बात कही है कि मोदी का विरोध नहीं होना चाहिए। आपका क्या कहना है, क्या देश को मिलने वाले एक संभावित सक्षम प्रधानमंत्री का इस तरीके से विरोध होना, क्या ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है, क्या आपकी राय है, आप हमें कॉल करके, स्काइप करके, फेसबुक के द्वारा, तमाम सोशल मीडिया के द्वारा भी पहुंचा सकते हैं आपकी अभिव्यक्ति विदाउट एडिट, सीधे लाइव हम करोड़ों दर्शक तक पहुंचा रहे हैं। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, क्या कहना है आपको। मेरा नाम राम पुकार है। हाँ, मैं रेणुपुर से बोल रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। हाँ, वहीं से मैं बोल रहा हूँ सर। और मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कोई सेक्युलर नहीं है, यह राष्ट्र के पुकार है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए, जिसके लिए हम लोग पूरे जनता यहाँ का उनको सपोर्ट कर रहा है। धन्यवाद, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सर, नरेंद्र मोदी जी का जो प्रधानमंत्री के लिए जो विरोध कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, दूसरे से करने की अलग बात है। हाँ, उन ऐसे लोगों को तो पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, क्योंकि जब राष्ट्र के विकास की बात आती है तो उसके अंदर वो पद या उसकी नहीं देखना चाहिए उसको। ये विकास के मुद्दे पर प्राथमिकता होनी चाहिए कि कौन आदमी कैसा है, कौन आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है, कौन आदमी नहीं है। ये सारे भ्रष्टाचार से आज पूरा देश खोखला हो रहा है। बिल्कुल, प्राथमिकता देख करके। धन्यवाद, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी का विरोध हो रहा है, मैं ये मानता हूं कि जो भी राष्ट्र के पक्ष में नहीं है वही सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा नेता है जो हिंदुस्तान को फिर से एक गुरु बना सकता है, विश्व गुरु बना सकता है। और बाकी के जो नेते हैं ना, वो नरेंद्र मोदी से बहुत पीछे हैं। तो मैं मानता हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को, मोदी जी को आशीर्वाद देना चाहिए और उन्हें अलग हो जाना चाहिए। आप कहां से बोल रहे हैं। मैं नेपाल और नेपाल भारत की बॉर्डर से बोल रहा हूं मैं। अच्छा, आप क्या करते हैं। मैं एक इंजीनियर हूं, फिलहाल कतार में काम। आपके आसपास के लोगों में क्या माहौल है इस विषय को लेके। आसपास में सबके वही है, सब लोग मोदी जी को ही चाहते कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि दूर दराज में कहीं पर भारत नेपाल सीमा में बैठे हुए लोग भी अपनी बात को कह रहे हैं। घंटों लगाकर स्काइप पर एक कॉल लगाने का मतलब कितनी मेहनत होता है आप समझ सकते हैं। इतना सब कुछ करने के लिए लोग इसलिए तैयार हैं क्योंकि उनको लगता है कि मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस देश का कुछ भला हो सकता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी, बोलिए। मैं इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ गुजरात से। सर, बोलिए इकबाल भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि हमारे गुजरात के अंदर
मेरी उम्र 45 साल है सर। हाँ। लेकिन जो सुकून मुझे इन 12 सालों में गुजरात में मिला है, हमारे देश आजाद होने के बाद जो सुकून गुजरात को मिला है नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद, वो सुकून मुसलमानों को कभी कांग्रेस ने नहीं दिया सर। और एक बात और कहना चाहता हूँ सर, कि मेरा तो दिल चाहता है कि हमारे जितने भी रेशन कार्ड 6 करोड़ है जनता हमारी गुजरात की, अगर देश का भला चाहती है पूरी जनता देश की, तो एक बार सरदार को वापिस लाए। हमारे सरदार जो नहीं है आज, वो सरदार को वापिस लाए। और नरेंद्र मोदी जिस दिन प्रधानमंत्री बन गए, समझो कि हिंदुस्तान के लिए एक नया सूरज पैदा होगा सर। और मेरा दिल चाहता है कि हमारे हर घर के अंदर रेशन कार्ड के अंदर हमारे घर का सदस्य है नरेंद्र मोदी सर। बिल्कुल इकबाल भाई, आप आज के बिंदास बोल में आधे घंटे के कार्यक्रम में गुजरात से तीसरे मुस्लिम हैं जिसने इतना समर्थन दिया है, तो आपके नाम पर जो बाकी सेक्युलर लोग राजनीति करते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए ये कहूंगा कि ना तो वो देश का भला चाहते हैं, ना तो स्टेट का भला चाहते हैं, तो चाहे किसी भी समाज का हो। धन्यवाद, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? जी, नरेंद्र मोदी जी को आना चाहिए, इसलिए आना चाहिए क्योंकि हम लोगों का देश में विकास का जो रफ्तार है हाँ। वो एकदम धीमी हो गई है, और कांग्रेस ने पूरा राष्ट्र को एक दूसरी ओर ले जाने की कोशिश चला रहा है, तो इसके लिए नरेंद्र मोदी जी जैसे आदमी अगर आएंगे तो ये हम लोगों के सभी के लिए अच्छा होगा, ये मेरा मानना है। धन्यवाद। धन्यवाद, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं अबूधाबी से बोल रहा हूँ, दीपक चंदेल बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं तो अडवाणी जी का भी समर्थक हूँ और मोदी जी का भी समर्थक हूँ। मैं अडवाणी जी से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप उम्र में एक बड़े इंसान है और आपको बहुत सक्रिय राजनीति में है, इस वजह से आपको ये चीज माहौल के हिसाब से सोचना चाहिए, आपको आज के माहौल के हिसाब से सोचना चाहिए। आपको आज नरेंद्र मोदी जी का इस देश में सबसे ज्यादा धन्यवाद। अबू धाबी में बैठे, विदेश में बैठे भारतीय भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, खास करके आडवाणी के जो समर्थक है वो भी इस विषय को यही कहकर कह रहे हैं कि हम आपको मानते हैं लेकिन अब समय आ गया है कि आप मोदी को माने। अगले कॉलर के पास चलते हैं। सुरेश जी नमस्ते, बोलिए। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ और मेरा कहना है कि हम बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, हम बहुत ज्यादा संख्या में है, हम सिर्फ नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को दबाव में ये फैसला लेना पड़ रहा है और अगर ये नहीं लिया तो कोई भी बीजेपी को वोट देने नहीं जाएगा और कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी, उसमें हमारी कोई जवाबदेही नहीं होगी। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय जी, बोलिए। हाँ, आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने लगी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के अंदर डिसीजन पावर है, उस पावर का कुछ व्यक्ति भी देश के अंदर नजर नहीं आता है। नरेंद्र मोदी जी के अंदर राष्ट्रीय विचारधारा से बन गई है और वो देश का भला कर सकते हैं, और इनके अलावा कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आता है। जहाँ तक लाल कृष्ण आडवाणी जी का सवाल होता है, लाल कृष्ण आडवाणी जी का वानप्रस्थ आश्रम आ गया है, उनको संन्यास लेकर के और नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर के उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार करना चाहिए। जय हिंद सर। जय हिंद।